गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। जितने मुझसे बड़े सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जितने मुझसे छोटे सभी को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है तरुण, होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। हम एकदम मस्त है। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा होगा ना, रेड रेड लग रहा होगा मस्त मजे, क्योंकि अभी स्वेटिंग हो रखी है पूरे फेस में, पूरी बॉडी में। बात यूँ है कि हमारे गाँव से यहाँ नीचे चमोली स्टैंड तक जितनी भी दूरी है, यहाँ के लोगों को पता होगा कितनी दूरी है, क्या टाइम लगता है। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे कि यार हम तो अपने टाइम में 5 मिनट में आ जाते थे, कोई बोलेगा 1 मिनट में आ जाते, 2 मिनट में पहुँचे थे, कोई इतना फेंकता होगा कि बोलेगा कि पलक झपकते पहुँचे थे। पर ये सब मजाक की बातें हैं, सच बात है। आज मैंने टाइम नोट किया और मुझे पूरे 5 मिनट भी नहीं लगे अपने गाँव से यहाँ चमोली से नीचे आते आते, ये रोड तो पूरे 5 मिनट भी नहीं लगे हैं मुझे, मतलब लगभग 4:40 के आसपास, 4:45 के आसपास मैं पहुंच चुका था यहाँ नीचे अपने घर से। क्या स्पीड होगी ना मेरी। इस बात की खुशी है मुझे कि चाहे तरुण कुमार किसी भी हालत में हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तरुण कुमार हर चीज़ करने के लिए रेडी होता है, खासकर हार्डवर्क। इस चीज़ को लेकर मुझे खुद पे बहुत गर्व है, हार्डवर्क बहुत अच्छा लगता है मुझे फिजिकली। दूसरी बात यह कि गढ़वाली गाने, जब गढ़वाली गाने बज रहे हो तो मैं तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ लूँ यार, ये क्या चीज़ है। चलो फिर चलते फटाफट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की ओर जा रहा था मैं, दादाजी चेकअप कराने जा रहे थे, हाँ हॉस्पिटल जा रहे थे, तो मैं बस जल्दी से पर्ची बनवा के आता था, क्योंकि अगर मैं अभी पर्ची बनाऊँ तो उनका नंबर जल्दी आ जाएगा, इसलिए मैं पहले आके भाग भूक के, तो बस चलते फटाफट से पर्ची बनाता हूँ उनकी हॉस्पिटल में जाके, तो मैं ऊपर वापस आ जाऊँगा इसी रास्ते से। और मैं रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं भाग रहा था, बस स्पीड में था, तो बाद में जाते वक्त देखता हूँ मैं वीडियो बनाऊँगा कर, तो इसी रास्ते जाऊँगा मैं, ठीक है तो मिलते हैं। इस साइड है चमोली सेन का हंस फाउंडेशन, जहाँ वो टावर लगा है उसके आसपास, और इस साइड है सतपुली, और ये पूरे चमोली सेन है यहाँ से आगे तक। हाँ हाँ रोड पे नहीं दिख रहा, रोड के साइड साइड में होगा, ऊपर उस साइड बूंगा गांव है। हॉस्पिटल की ओर चलते फटाफट। बाकी गाइस सच बोलो तो पसीने से हालत पूरी तर पतर हो चुकी है, मतलब मैं नहा चुका हूँ पसीने से, ये देख सकते हो आप पूरे आगे पीछे पसीने पसीना, क्या मज़ा आ रहा है क्योंकि स्वेटिंग, वाह यार बहुत दिनों बाद दौड़ा तो इसलिए हल्का बहुत पेट में दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी बात है। चलते फटाफट, ये रहे चमोली सेन वालों के खेत, यहीं कहीं हमारे भी खेत है शायद आसपास में, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, हाँ यहीं कहीं एरिया में, पर बात यह है कि वहाँ सिर्फ झाड़ियाँ उगी हुई है ना, कितनी अच्छी बात है नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। उस तरफ ऊपर है हमारा गांव, बहुत ऊपर बहुत ऊपर बहुत ऊपर, यहाँ से तो नहीं दिखेगा नॉर्मल से बात है, और वो रहा हमारे सामने हंस फाउंडेशन चमोली सेन का। फटाफट से चलते हंस फाउंडेशन की और, चमोली सेन का हंस फाउंडेशन ही पूरा है ना। मैंने जो है वाइड एंगल में कर दिया है फ़ोन को, तो उस साइड है वो बंदर खेत यानी मेरी बुआ की फ्रेंड का घर, और उस साइड मतलब उनका घर, और ये पूरा हंस फाउंडेशन चमोली सेन का हॉस्पिटल हंस फाउंडेशन मेरा गला ख़राब है सॉरी, हंस फाउंडेशन। फिलहाल तो यही है गाइस जो कुछ है, आपातकालीन लिखा हुआ इस पर, चलते हैं फटाफट आगे हॉस्पिटल। तो गाइस आप सभी लोग से एक बात बोलनी है कि ये रहा चमोली सेन का हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, और यहाँ पे है मेरे चाचा का जूस कॉर्नर, देखा कैसे हाथ हिला रहे, तो ये जूस कॉर्नर चाचा जी का ही है, तो जो आए जब भी आए यहाँ जूस ज़रूर पिएगा, हॉस्पिटल के बाहर में ही है तो ज़रूर आना जूस पीना यहाँ पे। ये रहे मालिक साहब बैठे यहाँ पे, ये रहा जूस कॉर्नर, ज़रूर आना जूस पीना यहाँ पे, मौज मस्ती करना एकदम मस्त। तो दादाजी और चले गए हैं, दादाजी दादी और हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह करा रहे हैं वो, तो अब मेरा तो कुछ खास काम है नहीं,
तो चलता हूँ वापस ऊपर घर की ओर। थोड़ी देर तक चाचा लोगों के पास बैठा हुआ था मैं जूस कॉर्नर पे, आऊँगा वहाँ पे बाद में, कुछ दिनों बाद आऊँगा वहाँ पे। अभी तो जा रहा हूँ मैं घर की ओर, पीछे मेरे चमोली सेन हॉस्पिटल है और पैदल ही जा रहा हूँ। हाँ, इसी रास्ते से बहुत सालों बाद, जाता भी नहीं, थोड़ा सालों बाद। चलते फटाफट ना, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ दिनों बाद, नहीं दिनों नहीं, कुछ महीने बाद, कुछ है कुछ दूसरे महीने बाद इस रोड पे मेरा आना जाना स्टार्ट हो जाएगा। है ना, फिर जो ये गोरापन दिख रहा है मेरा, जितना भी बचा हुआ है फिर नहीं दिखेगा। चलता है घर की ओर फटाफट यार। गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से बहुत खतरनाक आवाज आ रही है। वो देखो वाटरफॉल कितना अच्छा है ना। इस रास्ते से हम भल्ली की और साइड जा सकते हैं, भल्ली गांव जो ऊपर हम इस रास्ते जाना कंद रोड। तो गाइस अच्छा हुआ मैं ये हुड पहन के आया था, जिससे कि मैं बच सकूं और धूप से, मतलब धीरे धीरे चढ़ाई की और चढ़ते हुए मस्त मजा आ रहे हैं। आप मेरे साथ बन रही है व्लॉग में। और गाइस मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि मेरे साथ हो आप लोग। हा हा हा, इस जंगल वाले रास्ते में मजा आ रहा है। कुछ वो रहा चमोली सेन का हंस फाउंडेशन, चमोली सेन का हंस फाउंडेशन वो रहा, मतलब द हंस फाउंडेशन वो रहा। और कुछ ज़्यादा डिस्टेंस तय नहीं किया लेकिन फिर भी ऊपर आ चुके हैं। तो चमोली हंस फाउंडेशन, चमोली सेन और ज़्यादा डिस्टेंस दूर नहीं किया हमने। शायद गाइस वहाँ पे है वो गांव जो है वो बटखोल, या लगाऊँ और वो बटखोल का पुल वहाँ पे। ये बूंगा गांव है हमारे सामने, बिलखेत वहाँ उस साइड बांगाट, ये नदी बुला रही है गाइस, ये नदी बुला रही है, नयार नदी बुला रही है गाइस हमें। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट डेजिग्नेशन का, मतलब जो लोग इस रास्ते से आते होंगे तो शायद यहाँ बैठते होंगे, हम भी बैठा करते थे कुछ टाइम पहले तक। वो रहा देखो बांगाट, उस साइड बिलखेत, बांगाट बिलखेत चमोली सेन का फाउंडेशन, कितनी बार बताऊंगा ना मैं। तो मेरा डेजिग्नेशन ये नहीं है, मेरा डेजिग्नेशन मेरा घर, इसलिए अपन घर की तरफ जाएगा। ऐसा रुक रुक के नहीं चल, मैं नपुन चलता है एकदम सीधा पहुंच कर, जहां अपन को जाना वहीं रुकेगा। चलते फटाफट इस हसीन वादियों की ओर। कोई राज की बात होता तो गाइस, गाइस अगर उस साइड ना ब्राउन ब्राउन से दिख रहा है नदी में, तो इसका मतलब वहां गहरा नहीं है, वहां ग्रीन दिख रहा तो वहां गहरा है। नॉर्मल से पता है ना, सभी को पता है यार। तो गाइस बस थोड़ा सा दूर ये हमारे सामने है भल्ली गांव, भल्ली गांव, और ये है हमारे सामने पल गांव, मतलब इस मोड़ के बाद आ जाएगा वो। तो आप सोच रहे होंगे मैं जल्दी कैसे पहुंच गया, अरे मैं हूँ यार, मैं और कोई तो शायद पता नहीं लेकिन मैं हूँ यार। तो ये हमारे सामने है पल गांव, पूरा कुछ पेड़ों के पीछे घर है, और वो रहा हमारा कंद्रोड़ गांव, वहाँ शादी हो रही थी ना वही है। तो ये रहा वो घर जहाँ शादी हो रही थी, जहाँ वो वाइट वाइट दिख रहा, तो वो उस साइड हमारा घर है, यहाँ शादी हो रही थी, तो ये हमारा गांव है। बस फटाफट चलते ऊपर की ओर। गाइस उस साइड है चमोली गांव या सीला चमोली गांव, ये है पल गांव की डिग्गी, ये पल गांव का मंदिर, ये रास्ता पर गांव के लिए, हमारा रास्ता यहाँ से ऊपर की ओर और चमोली गांव के लिए जा सकता है।
पानी पीने का तो मन कर रहा था लेकिन अब घर पे ही पीऊंगा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं हूँ। तो गाइस बस क्या यार, चमड़खेत पहुँच चुका हूँ मैं। ये पीछे कुलह के पेड़ यानी देवदार वृक्ष दिख रहे हैं, वहाँ नीचे भी दिख रहा है बांगाट वगैरह, उससे पता चल रहा है कि मैं पहुँच चुका हूँ। और ऊपर वहाँ पीछे स्कूल है, वो स्कूल में हम लोग शाम बिताते कभी कभी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं पागल हूँ जितनी गर्मी में ये पहन के आया। यस यस अपन पागल है तभी अपन ये पहन के आया। तो घर पहुँच ही गया मैं, है ना। ये तो रहा हमारा घर, अब चमड़ खेत में पहुँच गया मैं बस। अब थोड़ी देर में दादाजी लोग आएंगे वहाँ से, बस थोड़ी देर में दादाजी लोग हॉस्पिटल से आएंगे, पहले सतपुरी जाएंगे, थोड़ा सामान सामान वो लेंगे, तब फिर वो गांव में पहुँचने के बाद मुझे फ़ोन करेंगे, तब अपन वहाँ ऊपर सामान लेने जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए घर चलते हैं, चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करना, जो लोग मेरे चैनल में हो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में। यार इतने दोस्त होते हैं आप लोगों के, करो शेयर। और ऐसे भी क्या दोस्त जो आपकी बात ना माने, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में क्या क्या जाता है ना। तो बस पसीना हो रहा है पसीना, तो चलते हैं फटाफट से घर की ओर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड। कल मेहंदी है एक और शादी जो हमारे गांव में उनकी, देखते क्या प्लान बनता है। सॉरी कैमरा तो हिल रहा है क्योंकि मेरे पाँव लड़खड़ा आ रहे हैं। घर पहुंच चुका हूं मैं, चलते फटाफट ना, मिलते आपसे।